हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का भाग नंबर 8। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हम क्या पढ़ रहे थे, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा में भाग 7 तक पढ़ा दिया था मैंने, और हमने भाग 7 में हमने जो भी सारा कुछ पढ़ाया था, आप लोग जा करके इसका पूरा वीडियो, जो पूरा भाग है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट मिल जाएगा पूरा इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स का, और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास वहाँ से आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो सारा है, वो सब देख लीजिएगा। और कोई भी अगर आप लोगों को परेशानी या दिक्कत होती है, या PDF से संबंधित, या किसी भी कैरियर से संबंधित किसी भी चीज़ से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज देखते हैं रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर और एक्टिव पावर के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ देखने से पहले, इन सब चीज़ों को देखने से पहले हम पहले पावर फैक्टर के बारे में बताते हैं आपको। क्या चीज़? पावर फैक्टर के बारे में बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर इसको बोलते हैं हिंदी में शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। ठीक है, देखिए कल हमने क्या बताया था कि पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान 1 हो सकता है, इकाई हो सकता है। ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता है पावर फैक्टर का मान। ठीक है, उससे 1 से कम हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। तो आपका अधिकतम मान जो है पावर फैक्टर का मान 1 होता है, यानी कि इकाई होता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, तो पावर फैक्टर बराबर दोस्तों रियल पावर बटे अपरेंट पावर होता है। क्या होता है? रियल पावर बटे अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर PF यानी कि पावर फैक्टर बराबर। ठीक है, रियल पावर बटे अपरेंट पावर, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही पावर फैक्टर बराबर इससे पहले भी हमने बताया था, इससे पहले भी हमने पावर फैक्टर बताया था। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या देखेंगे कि आपका ये त्रिभुज, देखिए इस त्रिभुज से आप लोगों को क्या पता चल रहा है, ये आपका ये एक्टिव पावर है, जिसको हम ये आधार के रूप में मानते हैं। ये क्या है? आधार। ये नीचे वाला क्या है? आधार है। और ये क्या है? लंब है। ठीक है, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये आधार है, लंब है, ये कर्ण है। ठीक है, यहां पे कॉस फाई है, VI कॉस फाई। ठीक है, तो एक्टिव पावर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक चीज देखते जाइए। चलिए हम पहले ऊपर से देखते हैं कर्ण को, अपरेंट पावर देख लेते हैं। अपरेंट पावर देखिए, अपरेंट पावर बराबर क्या होता है? VI होता है। क्या होता है? VI। ठीक, अब एक्टिव पावर बराबर क्या होता है? एक्टिव पावर इक्वल टू, एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है? VI कॉस फाई होता है, VI कॉस फाई होता है। ठीक है, अगला है हमारा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ठीक है, रिएक्टिव पावर बराबर क्या होता है हमारा? VI साइन फाई, VI साइन फाई होता है। ठीक है, अपरेंट पावर का मात्रक जो है, किस चीज में अपरेंट पावर को मापते हैं, किस चीज में मेजर करते हैं? KVA में। किस चीज में? KVA में। ठीक है, किलोवाट एम्पियर। ओके, और एक्टिव पावर को, एक्टिव पावर को किलोवाट में, किलोवाट में। और रिएक्टिव पावर को KVAR में, KVAR में इसको हम मापते हैं, या इसका मात्रक है। ठीक है,
तो ये जो तीनों फार्मूला है इसको आप लोगों को याद रखना है ये चीज को, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है अपेरेंट पावर का फार्मूला पूछ देगा, ठीक है। एक्टिव पावर का फार्मूला ये पूछ दे सकता है, और ये रिएक्टिव पावर का ये फार्मूला पूछ देगा, और इसका मात्रक पूछ देगा, किस चीज में मापते हैं उसको, ठीक। अब दोस्तों आगे हम जो है क्या देखेंगे कि अगर देखा जाए कॉस फाई का मान, देखिए कहां से लेंगे ये चीज अगर उठा के देखते हैं कॉस फाई बराबर, तो देखिए दोस्तों कॉस अगर देखिए एक्टिव पावर बराबर वी आई कॉस फाई है। चलिए एक एक चीज लेकर काम चलते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे अपेरेंट पावर डायरेक्टली यहाँ पे वी आई है। अपेरेंट पावर क्या है? वी आई है, जो कि इस त्रिभुज में कर्ण का काम कर रहा है। क्या है? कर्ण है, ठीक। और जो हमारा आधार है एक्टिव पावर है, क्या है आधार? क्या है? एक्टिव पावर है, ठीक। और ये हमारा लंब क्या है? रिएक्टिव पावर। अब यहां से चीज देखिए, अब यहां से चीज देखिए, कॉस फाई का मान, ये कॉस फाई का ही मान क्यों, और ये साइन फाई का ही मान क्यों? अब देखिए कैसे कॉस फाई और साइन फाई, तो आप लोग जानते हैं लाल भाई कक्का ये वो फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, फार्मूला नहीं कहेंगे ट्रिक होता है। और ये साइन थीटा के लिए क्या होता है? साइन थीटा के लिए क्या होता है? ये एस देखिए साइन साइन कॉस टेन के लिए, साइन कॉस टेन के लिए हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के लिए हम बाएं से दाएं की तरफ आते हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर, इधर से चलेंगे तो आपको नीचे जाना है, और इधर से चलेंगे तो ये ऊपर होते हुए जाना है, उल्टा है इसका रेसिप्रोकल। तो देखिए साइन के लिए क्या होगा? साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण होगा, क्या होगा? लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम अपेरेंट पावर को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपेरेंट पावर बराबर, अपेरेंट पावर बराबर क्या दिया है आपका? वी आई दिया है, केवल वी आई दिया है। तो ये चीज तो ऐसे ही आप लोग को याद रखना है कि अपरेंट पावर बराबर क्या होता है? वी आई होता है बस, ठीक है। अपरेंट पावर बराबर वी आई है, तो एक्टिव पावर बराबर क्या होगा? यहां से देखिए एक्टिव क्या है यहाँ पे? वी आई कॉस फाई है। अगर हम कॉस फाई का वैल्यू लाएं, कॉस फाई का, तो देखिए कॉस फाई यहां पे रहेगा, तो ये एक्टिव पावर बटे में वी आई, एक्टिव पावर शॉर्ट में लिखता हूं, एक्टिव पावर बाई वी आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस फाई का मान एक्टिव पावर बटे में वी आई। और वी आई किसको डिनोट करता है? वी आई किसको डिनोट करता है? अपेरेंट पावर को, देख रहे हैं ना, अपेरेंट पावर को। तो हम कह सकते हैं कि कॉस फाई का वैल्यू जो है मान सकते हैं एक्टिव पावर बटे में क्या? एक्टिव पावर बटे में अपेरेंट पावर, ठीक। तो कॉस फाई का मान हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब बात किया जाए यहां से साइन फाई का मान, ठीक है, साइन फाई का मान। तो भाई साइन फाई कहाँ पे है आपका? ये रहा। तो साइन फाई का मान कैसे आएगा आपका? देखिए साइन फाई का मान, साइन फाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बटे में क्या? वी आई हो जाएगा, ठीक है। और यही वी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? अपेरेंट पावर, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं या में अपेरेंट पावर, ठीक है। तो प्रमुख रूप से आपको, मेन रूप से आपको याद क्या रखना है कि अपेरेंट पावर बराबर वी आई, जिसका मात्रक केवीए होता है, एक्टिव पावर का वी आई कॉस फाई किलोवाट होता है, और रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई केवीएआर होता है, ठीक। चलिए अब इसमें हमारा क्या, हमने क्या बोला था
ये साइन फाइ साइन थीटा बटा लंब, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, ये पूरा लंब है, ये लंब है। तो रिएक्टिव पावर का मान हमने क्या लाया, देखिए रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर जो है क्या दिया है, वी आई साइन फाई है। तो यहाँ से साइन फाई दिया है, तो अभी हमने क्या बताया कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो यहाँ पे लंब के लिए क्या है रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टिव पावर करने के लिए साइन फाई वी आई, साइन फाई बटे में क्या होगा अपरेंट पावर। देखिए कैसे वो लंब है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो कर्ण हम ले रहे हैं लंब बटा कर्ण, तो कर्ण में क्या है वी आई है, वी आई है, देखिए वी आई है। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया है वी आई, और रिएक्टिव पावर बटे में वी आई इक्वल टू साइन थीटा। समझ आ रहा है, देखिए कैसे साइन के लिए, साइन फाई के लिए यहाँ पे देखिए साइन फाई यहाँ पे दिया है, तो साइन फाई के लिए क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब में क्या है रिएक्टिव पावर, और बटे में कर्ण क्या है आपका अपरेंट पावर। तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि साइन फाई का मान जो होगा रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बटे में क्या अपरेंट पावर, अपरेंट पावर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अपरेंट पावर का जो मात्रक है उस किस क्या है, या उसको हम अपरेंट पावर को किस चीज में मापते हैं, तो केवीए में मापते हैं। ऐसे ही एक्टिव पावर को केडब्ल्यू में और रिएक्टिव पावर को केवीआर में। तो ये चीज यहां से बस पूछ सकता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन अभी आपको बताएंगे कि कैसे पूछ रहा है या कैसे पूछता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आप लोग ज़्यादा कुछ नोट मत करिए, आप ये त्रिभुज बना लीजिए और रिएक्टिव पावर उसका मात्रक, अपरेंट पावर उसका मात्रक, एक्टिव पावर और उसका मात्रक लिख लीजिए। और दूसरा ये शक्ति गुणांक लिख लीजिए, शक्ति गुणांक लिख लीजिए, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर लिख लीजिए, रियल पावर बटे में अपरेंट पावर, रियल पावर बटे में अपरेंट पावर भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए उसको। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले हम इसको मिटाते हैं फिर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर अधिकतम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा, अधिकतम मैक्सिमम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, ठीक है। विद्युत धारा क्या कर सकता है, अधिकतम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान कर सकता है 230 वोल्ट पर कोई अल्टरनेटर है। तो बताइए कि 0.6 पावर फैक्टर पर, 0.6 पावर फैक्टर पर उसका आउटपुट ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए ज्ञात, उसका आउटपुट ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट ज्ञात करने के लिए हमें जो है अपरेंट पावर जानते हैं ना क्या होगा, अपरेंट पावर बराबर क्या होता है, अभी हमने लिखवाया था क्या, अपरेंट पावर बराबर वी आई होता है, क्या होता है अपरेंट पावर, अपरेंट पावर बराबर वी आई होता है, क्या होता है वी आई, जिसको हम के वी ए में मापते हैं, के वी ए किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहां पे 0.6 पावर फैक्टर पर, पहले देखिए हम देखेंगे कितना वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है भाई 230 वोल्ट, ठीक। और आपका आई एम्पियर धारा कितना दिया है 1000 एम्पियर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपरेंट पावर बराबर हम डायरेक्टली हम इस पर रख देंगे, इस फार्मूले पे इसको रख देंगे। तो डायरेक्टली रखिए यहां पे बस अपरेंट ए पी लिख देता हूं, अपरेंट पावर, ठीक, इक्वल टू भी का मान कितना है 230, 230 और आपका आई का मान कितना दिया है 1000, कितना दिया है 1000 एम्पियर। अब ये क्या है किलो है, क्या है किलो है, तो किलो है तो उसको हम क्या करेंगे बटे में क्या करेंगे, किलो है तो भाई जब किलो है तो किलो में 1000 होता है, तो हम यहां से 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है।
किलो वोल्ट एम्पियर है, तो 1000 से भाग देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा। अब अपरेंट पावर का मान हमारा कितना आ जाएगा, 230, ठीक है, 230 KVA आएगा। अब पूछा है क्या कि 0.6 पावर फैक्टर पर उसका आउटपुट ज्ञात कीजिए, 0.6 पावर फैक्टर पर उसका आउटपुट ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम 0.6 पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर का आउटपुट ज्ञात करते हैं तो क्या हमारा अपरेंट पावर आया है 230 केवीए अगुणा में कितना पावर फैक्टर पे, 0.6 पावर फैक्टर पे, 0.6 कर लीजिए, ठीक। अब यहां से क्या निकलेगा आपका, 1 जीरो से ये पूरा 6 हो जाएगा, तो 23 × 6 हो जाएगा, यहाँ पे 23 × 6 6 × 3 = 18 और 6 × 2 = 12 = 13, 138 क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, 138 किलोवाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आउटपुट, आउटपुट कितना हो जाएगा 138 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्टिव पावर क्या होगा, यानी कि भाई जो आउटपुट है वही तो एक्टिव पावर है, जो आउटपुट है वही तो एक्टिव पावर है। तो एक्टिव पावर हमने क्या बताया था, एक्टिव पावर बराबर हमने क्या बताया था, एक्टिव पावर बराबर VI cos phi होता है, ठीक। तो भाई VI cos phi होता है और इसका मात्रक हमने बताया था किलोवाट, और जब किलोवाट है तो जो आउटपुट आया है एक्टिव पावर का मान आया है वो 138 आया है, मात्रक किलोवाट है तो मात्रक क्या लगाएंगे, किलोवाट ही लगाएंगे, ठीक। तो ये चीज आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अगर डायरेक्टली इसको हम करना चाहें तो बस 230 है वोल्टेज आपका, जब 230 दे दिया, 1000 एम्पियर दे दिया आई, और पावर फैक्टर बोल रहा है कि 0.6 पावर फैक्टर पे, तो कुछ मत कीजिए, डायरेक्टली आप VI कर लीजिए, मतलब कि अपरेंट पावर निकाल लीजिए VI, ठीक है, जितना वो दे रहा है, और फिर उसके बाद 0.6 पावर, भाई जो भी ये वाला जो निकलेगा हमारा, ये हमारा जो निकल रहा है 230, ये हमारा क्या है, ये इनपुट है, मतलब कि जितना दिया जा रहा है ये क्या है हमारा इनपुट कर लीजिए इसको, इनपुट, ठीक है, मतलब कितना उसको दिया जा रहा है, तो दिया कितना जा रहा है उसको, दिया कितना जा रहा है उसको, उसको दिया जा रहा है क्या 230 वोल्ट और 1000 एम्पियर, तो इतना दिया जा रहा है, तो भाई आउटपुट कितना दे रहा है, आउटपुट वो देगा 138 की, और ये जो है इकाई पे है पावर फैक्टर, ये क्या होगा इकाई पे, इकाई पावर फैक्टर पे है, क्या है इकाई पावर फैक्टर पे, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, 230 के लिए जो है इकाई पावर फैक्टर पे इनपुट है, इकाई पावर फैक्टर पे, और ये जो है आपका 138 कितना किस चीज के लिए है, 0.6 पावर फैक्टर पे, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। मिटाता हूँ, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों हम अब आगे पढ़ेंगे क्या, समांतर एसी परिपथ, समांतर एसी परिपथ, पैरेलल एसी सर्किट, पैरेलल एसी सर्किट, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर विधि पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे वेक्टर विधि, वेक्टर विधि, ठीक है, वेक्टर विधि। देखिए वेक्टर विधि में क्या होता है कि इस विधि में जानते हैं क्या होता है कि परिपथ के जो जो भी सर्किट होता है उसके घटकों के इंपीडेंस का जो है वेक्टर योग होता है, ठीक है, वेक्टर योग होता है। देखिए किस फॉर्मूले से होता है, 1/ZT यानी कि टोटल, टोटल इम्पीडेंस निकाला जाता है समांतर एसी परिपथ में, टोटल इम्पीडेंस निकाला जाता है वो किस विधि से निकाला जाता है, वेक्टर विधि से। तो टोटल इम्पीडेंस कैसे निकलेगा, 1 बाई
जेड वन प्लस वन बाई जेड टू प्लस वन बाई जेड थ्री, ऐसे ही डॉट डॉट जहां तक जाए। तो ये वेक्टर बेटी से टोटल हम समांतर ऐसी परिपथ में टोटल इम्पीडेंस निकालते हैं, ठीक है। देखिए हम आगे हम समझाते हैं, एडमिटेंस पढ़ेंगे, कंडक्टेंस पढ़ेंगे, ससेप्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको नोट कर लीजिए, पहले वेक्टर बेटी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलिए मिटाता हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्या, एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस, इम्पीडेंस और आपका रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये तो आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। अब हम इससे एडमिटेंस से आपका इम्पीडेंस, मतलब इससे और इससे दोनों को आपस में तुलना करेंगे, ठीक है, और इन चीज़ को हम इसका रिलेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, देखिए यहाँ से हम लेते हैं पहले, ठीक है, ये एक ये जो प्रतिबाधा है और ये आपका प्रतिघात है और ये प्रतिरोध है, ये तीनों कहीं ना कहीं क्या है, अवरोधक है। क्या है? धारा या वोल्टेज का अवरोधक, धारा का अवरोधक है ये चीज, ठीक है, मतलब कि विद्युत को रोकने वाला चीज है ये चीज, ठीक। क्या चीज है? विद्युत को रोकने वाला चीज। तो देखिए आप लोग क्या देखे हैं कि एक समकोण त्रिभुज होता है उसका पाइथागोरस प्रमेय हमने पहले भी बता चुका है, बता चुका हूँ, ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है, ठीक। तो आप लोग जानते हैं कि आपका क्या, हमने भी बताया लंब, ये होता है ऊपर कर्ण, ये लंब, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार, ठीक। तो लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि हम निकाल सकते हैं जेड, जेड निकाल सकते हैं, यानी कि इम्पीडेंस प्रतिबाधा बराबर यानी कि प्रतिबाधा जेड इक्वल टू क्या निकलेगा, प्रतिबाधा बराबर आर, देखिए रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का वर्ग, प्रतिरोध आर का स्क्वायर और प्लस में क्या, रिएक्टेंस प्रतिघात एल का, प्रतिघात एक्स होगा, ये एक्स डिनोट किया गया, ठीक, प्रतिघात एक्स का, देख रहे हैं ना, एक्स अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, देखिए इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख सकता हूँ। चलिए जेड यानी कि इम्पीडेंस, जेड का स्क्वायर इक्वल टू प्रतिरोध का यानी कि आर का स्क्वायर और प्लस में क्या, रिएक्टेंस यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमारा इम्पीडेंस क्या निकलेगा, जेड बराबर अंडर रूट में क्या, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर निकल सकता है इम्पीडेंस बराबर। तो इम्पीडेंस का मान जब प्रतिरोध और आपका प्रतिघात दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबाधा निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेम एज इट इज इसी पर रख करके हम रिएक्टेंस का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही बात किया जाए, देखिए एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस को हिंदी में प्रवेश्यता कहते हैं, याद रखिएगा, क्या प्रवेश्यता,
यही एडमिटेंस जिसको हम y से डिनोट करते हैं वो क्या होता है, एडमिटेंस बराबर क्या होता है, 1/z होता है, क्या होता है, 1/z होता है, यानी कि इम्पीडेंस के बराबर होता है। अब देखिए कैसे है? ये जो कर्ण में है यानी कि प्रवेश्यता है वो किस क्या होता है, वो इसका रेसिप्रोकल होता है। देखिए प्रतिबाधा, प्रवेश्यता बराबर होता है किसका, का प्रतिबाधा का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, 1/ एडमिटेंस बराबर क्या होगा, 1/ इम्पीडेंस, क्या होगा, 1/ में इम्पीडेंस, यानी कि ये कर्ण है ये भी कर्ण है, तो बस क्या करना है कि 1/ ये क्या होगा, 1/ हम जेड लिख देते हैं, क्या चीज, वाई बराबर 1/z। सेम वैसे ही कंडक्टेंस चालकता, जी बराबर इसको हिंदी में चालकता कहते हैं, ठीक। अब देखिए जी बराबर 1/r, ये कंडक्टेंस है ये प्रतिरोध है, बस 1/r कर दीजिए, r है ना प्रतिरोध, तो ये 1/r हो जाता है, ठीक, कंडक्टेंस का मान। एडमिटेंस का जो मात्रक होता है मोह होता है या साइमन होता है, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और सेम इन कंडक्टेंस का भी वही साइन होता है और ससेप्टेंस का भी वही साइन होता है, सॉरी इसका मात्रक होता है, ठीक है। अब देखिए ससेप्टेंस बी बराबर इससे तुलना कीजिए, रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात 1/x, ये एक्स से डिनोट किए हैं प्रतिघात को, तो 1/x होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए एडमिटेंस वाई बराबर 1/z, कंडक्टेंस जी बराबर 1/r और ससेप्टेंस बी बराबर 1/x। तो आप लोग डायरेक्टली यहां से क्या पूछ सकता है कि प्रवेश्यता बराबर क्या होता है, एडमिटेंस इक्वल क्या होता है, मतलब कि इक्वल एडमिटेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 1/ में इम्पीडेंस का इक्वल होता है, ठीक है। कंडक्टेंस 1/ में प्रतिरोध का बराबर होता है, और ससेप्टेंस क्या होता है, 1/ में आपका प्रतिघात के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, पहले इसको नोट करिए, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए जो एडमिटेंस त्रिभुज जो है, देख रहे हैं एडमिटेंस का त्रिभुज, ये एडमिटेंस जो है कर्ण वाला, और ये आपका फाई है, ठीक है। अगर एडमिटेंस के त्रिभुज से अगर बात किया जाए तो कॉस फाई बराबर क्या निकलेगा, एडमिटेंस के लिए त्रिभुज में एडमिटेंस के लिए, ठीक, कॉस फाई बराबर क्या निकलेगा, कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण होता है ना कॉस का मान, आधार बटा कर्ण, तो जी बटे में क्या हो जाएगा, कॉस फाई बराबर जी बटे में क्या हो जाएगा, वाई होगा। तो एडमिटेंस के केस में जो कॉस फाई होगा वो क्या हो जाएगा, जी बटा वाई हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि जी बटा वाई हो जाएगा तो हम या जी का मान या तो वाई का मान रख लेते हैं इसमें, अगर हम जी का मान रखते हैं इसमें जी का मान रखते हैं तो 1/r हो गए, आर कर लेंगे, देखिए कॉस फाई बराबर जी का मान क्या दिया है, 1/r दिया है, देखिए 1/r अब पूरा का बटा क्या है, वाई, ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/1 कर लीजिए, ठीक, इसका ऊपर चला जाएगा ये इसमें चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/ry, कॉस फाई बराबर 1/ry हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध गुणे एडमिटेंस, ठीक है। या
जानते हैं कि कॉस फाई बराबर हमने क्या बताया था, पावर फैक्टर बराबर हमने क्या बताया था, ठीक है याद होगा कल का वीडियो में आप लोग, पावर फैक्टर बराबर कॉस फाई बराबर क्या बताया था हमने, आर बाई जेड बताया था हमने, बताया था रेजिस्टेंस बटा क्या इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस बटा इम्पीडेंस पावर फैक्टर बराबर होता है। तो अब बताइए कि R बाई जेड जो है अगर हम रख रहे हैं डायरेक्टली, अगर पावर फैक्टर कॉस फाई होता है, ठीक है पावर फैक्टर क्या होता है कॉस फाई, और कॉस फाई बराबर क्या होता है R बाई जेड होता है, ठीक। तो अगर मान रखा जाए किस चीज का, देखिए यहां से क्या निकला हमारा, ये क्या है आपका, ये अगर y इसमें चला जाए मतलब मल्टीप्लाई में हो जाए इधर, थोड़ा देखते हैं ध्यान से कि cos phi और ये क्या है प्रवेशता y बराबर g, बराबर क्या g, बराबर क्या g। तो देखिए पावर फैक्टर में अगर प्रवस्यता से गुणा किया जाए, देखिए ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था हमारा डायरेक्ट कि कंडक्टेंस जो है जी हमारा जो है कंडक्टेंस किसके बराबर है, तो ऑप्शन दे दिया कॉस फाई आपका प्रवस्यता के बराबर, कॉस फाई कंडक्टेंस के बराबर, कॉस फाई ससेप्टेंस के बराबर, तो ये जो था हमारा कॉस फाई प्रवस्यता के बराबर जी का मान, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछा था तो हमने आपको बता दिया। तो ऐसे भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आगे देख लेते हैं, पहले तो इसको मिटाते हैं उसके बाद देखिए, आगे देखिए ये मिटा दिया जाए, देख लीजिए प्रवेशता एडमिटेंस एक बटा जेड, मोहसाइमन होता है उसका मात्रक, कंडक्टेंस होता है एक बटा आर, कंडक्टेंस को जी से प्रदर्शित करते हैं, प्रवेशता को वाई से प्रदर्शित करते हैं, और ससेप्टेंस को बी से, जिस जो ससेप्टेंस बराबर होता है वन बाई एक्स होता है, ये चीज याद रखना है। देखिए सबसे चीज ये बात है कि ससेप्टेंस दिया है जिसको बी से डिनोट करते हैं इसका होता है वन बाई एक्स, अब x का मान ही प्रतिघात होता है यानी कि एक बटे प्रतिघात किसका मान, ससेप्टेंस का मान, ठीक है। तो ये चीज इसका हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दिया है, या शॉर्ट फॉर्म में भी दिया है फार्मूले के रूप में, तो ये चीज बिल्कुल आप लोगों का ध्यान देना है ये चीज, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं, कंडक्टेंस दे दिया है बस कंडक्टेंस बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन में दे देगा एक बटे आर एक बटे जेड एक बटा एक्स, तो क्या मारेंगे क्या आएंगे आप लोग, तो याद रहेगा तो डायरेक्टली आप कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे देखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एक एक चीज वीडियो में पूरा देखते रहना है, ठीक है, एक एक चीज समझते चलना है, और जो भी आप लोगों को अगर लगता है कि दिक्कत हो रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, देखिए अगर जो ससेप्टेंस दिया है, ठीक है सॉरी आपका एडमिटेंस दिया है, एडमिटेंस का त्रिभुज दिया, देखिए ये एडमिटेंस है तो त्रिभुज में एडमिटेंस दिया है जो, तो अभी हमने बताया कि फिर से हम एडमिटेंस को लेकर के बात किया जाए कि भाई वाई बराबर देख रहे हैं कि हो रहा है आपका एक बटा जेड, देखिए एक बार समझिए इसको कि y बराबर क्या दिया है एक बटा जेड, तो क्या हम यहां से रिलेट कर सकते हैं पावर फैक्टर से, z का मान देखिए यहां से क्या निकल सकता है, अगर z का मान देखा जाए तो z बराबर cos phi r हो सकता है, cos phi r हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि एडमिटेंस बराबर एक बटे में cos phi इंटू रेजिस्टेंस, ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, तो आपका एडमिटेंस का मान ये भी आ जाएगा एक बटे में कॉस फाई आर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूं। वो क्वेश्चन जो आया है वो कैसा आया है देखिएगा। हमारा जो कुल विद्युत धारा होता है ना, ठीक है, कुल विद्युत धारा जो होता है परिपथ में, किसी भी परिपथ में, किसी परिपथ में, तो वो जो होता है आपका वोल्टेज गुणे में एडमिटेंस वाई, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछ दिया था, ठीक, तो ये जरूर आने वाले एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर जी बाई वाई, क्या चीज, पावर फैक्टर जी बाई वाई याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बटे में क्या है, एडमिटेंस, एडमिटेंस याद रखिएगा, ठीक। चालकता, चालकता बटे में प्रवेश्यता, ये एक दो पॉइंट है, इस चीज को याद रखिएगा, उतना काफी रहेगा, ठीक है। ये क्या चीज, पावर फैक्टर बराबर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम, क्या पढ़ेंगे, पॉलीफेज सिस्टम। अब पॉलीफेज में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलीफेज में पढ़ेंगे हम टू फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, तो फेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटाऊं इसको, ले मिटाता हूं इसको। देखिए दोस्तों, हम आगे क्या पढ़ेंगे, पॉली फेज, पॉली फेज सिस्टम, पॉलीफेज सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है, पॉलीफेज सिस्टम यानी कि बहुफेज सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए पॉलीफेज सिस्टम में क्या क्या हो, क्या क्या आएगा, एक तो आएगा आपका टू फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, मतलब कि थ्री फेज, टू फेज, थ्री फेज, ठीक है, सिक्स फेज, नाइन फेज, सिक्स फेज, नाइन फेज, ट्वेल्व फेज। तो ज्यादातर हम लोगों का यूज जो होता है वो थ्री फेज सिस्टम का होता है, कितने फेज सिस्टम का होता है, थ्री फेज सिस्टम का, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे क्या आज, टू फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम, इतना पढ़ते हैं आज, ठीक। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि टू फेज सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टू फेज सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए अब टू फेज सिस्टम क्या होता है, टू फेज सिस्टम, डबल फेज, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे डबल फेज, डबल फेज यानी कि टू फेज, ठीक है, टू फेज। देखिए दो फेजों में, देखिए टू फेज का जगह अगर है तो दो फेज अगर है, दो फेज ऐसे है तो इनके बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। डबल फेज में कितना डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, डबल फेज में यानी कि टू फेज में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों फेजों के बीच, दोनों फेजों के बीच, एक ये फेज, एक ये फेज, तो ये दोनों फेजों के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या होता है, एक लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज, देखिए फेज वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है,
जो फेज वोल्टेज होता है वो न्यूट्रल और फेज के बीच में रहता है। फेज वोल्टेज क्या होता है? न्यूट्रल, न्यूट्रल और फेज के बीच में, न्यूट्रल और फेज के बीच में, न्यूट्रल और फेज के बीच में फेज वोल्टेज होता है। मतलब क्या, फेज क्या कहलाएगा? न्यूट्रल और एक फेज, ये क्या कहलाएगा? फेज, फेज वोल्टेज। न्यूट्रल और एक, एक न्यूट्रल वायर हो और एक फेज का वायर हो तो हो जाएगा फेज वोल्टेज उसमें। अब लाइन वोल्टेज क्या होता है भाई? लाइन वोल्टेज क्या होता है? ये तो था न्यूट्रल और फेज का वायर है तो उसमें हो जाएगा ये फेज वोल्टेज उसमें आ रहा है। लाइन वोल्टेज क्या है? फेज टू फेज, फेज टू फेज, ठीक है, तो वो लाइन वोल्टेज कहलाता है हमारा। फेज टू फेज, दो गो फेज होगा, फेज होगा वो क्या होगा, क्या होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए कैसे फेज वोल्टेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये वो फेज है, सिंगल, मान लिया सिंगल फेज है, ये फेज है और ये क्या है, न्यूट्रल है। तो इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों उसके बीच में जो होगा हमारा क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। क्या होगा? फेज वोल्टेज। अब दोनों अगर फेज रहेगा, दोनों फेज रहेगा तो क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। उससे क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं टू फेज का। क्या बात करते हैं? टू फेज का। तो अभी हमने क्या बताया कि दोनों कोण के बीच कितना डिग्री का होता है अंतर, दोनों फेज में, टू फेज में तो 90 डिग्री का होता है अंतर। भाई जब 90 डिग्री का होता है तो जो हमारा वोल्टेज होगा, वोल्टेज स्रोत, वो क्या होगा, वो क्या होगा, ई लाइन वोल्टेज क्या होगा, ये लाइन वोल्टेज है, ठीक है। दोनों फेज है तो क्या होगा, दोनों फेज है तो क्या होगा, ठीक है, ई लाइन वोल्टेज का क्या होगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि हम मान लेते हैं कि ई वन है, दोनों बराबर है भाई फेज के, हमारा लाइन वोल्टेज के लिए, लाइन वोल्टेज के दोनों फेज ना होगा जी। अभी हमने क्या बताया, फेज फेज, देखिए यहाँ पर मैं ठीक से बताता हूँ, ई लाइन वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा आपका ई वन, भाई ये भी ई वन, दोनों ई वन, तो ई वन का लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर, ठीक है। तो ई लाइन वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ई वन का स्क्वायर और प्लस में ई टू का स्क्वायर, सॉरी ई वन का स्क्वायर, क्योंकि भाई दोनों फेज है तो इवन ही इवन होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से आया है, अब इससे पहले मैं बता दिया हूं उसको देख लीजिएगा। अब इवन और इवन क्या हो जाएगा, टू इवन स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट टू और ये इवन, ठीक है, अंडर रूट टू और इवन, यानी कि आपका जो लाइन वोल्टेज होगा, देखिए टू फेज की बात कर रहे हैं हम, टू फेज की बात कर रहे हैं कि अगर लाइन वोल्टेज होगा वो बराबर होगा किसका, लाइन वोल्टेज किसका बराबर होगा, वो होगा एगो फेज वोल्टेज और अंडर रूट टू के गुणनफल का, ठीक। तो ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए मैं इधर लिख देता हूं, ई लाइन वोल्टेज डबल फेज में केवल बता रहा हूँ, ये टू फेज में बता रहा हूँ, टू फेज सिस्टम में ये हो जाएगा अंडर रूट दो, आई क्या हो जाएगा आपका इनटू फेज का वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट टू फेज वोल्टेज, ठीक। तो ये टू फेज के लिए है, ये फार्मूला याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या देखेंगे कि इसमें जो है, इसमें क्या देखेंगे आप, देखिए थोड़ा हम साइनसोडल वेव से चलते हैं, थोड़ा
पहले तो एक चीज इससे पहले याद रखिए कि पावर को मापने के लिए, शक्ति को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं जी? वाट मीटर का यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन भी पूछता है गजब, पावर को, पावर को मापने के लिए यानी कि शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। क्या चीज? वाट मीटर, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए नोट करिए, आगे हम बताते हैं आपको, आगे हम बताते हैं आपको। बिठाओ, चलिए अभी हम थोड़ा सा इसमें बता देते हैं और उसके बाद हम थ्री फेज सिस्टम देखेंगे, ठीक है। थ्री फेज सिस्टम हम देखेंगे। आपने ये टू फेज सिस्टम देखा है, इसमें कुछ हम और बता देते हैं आपको, क्या चीज है। आप लोग एकदम बिल्कुल लगे रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। अब देखिए, आप लोग जानते हैं ना कि अगर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं थ्री फेज के बारे में। क्या बात करेंगे हम अभी पढ़ेंगे? थ्री फेज। पहले तो हम देते हैं यहाँ पे थ्री फेज, थ्री फेज सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? थ्री, इसे लिख लेता हूँ, थ्री फेज सिस्टम, ठीक। थ्री फेज सिस्टम में सबसे पहले तो जानिए कि तीन को फेज होना है। तीन को फेज क्या क्या? पहले जानिए कि आर वाई बी। जब घरों में वायरिंग होता है, चाहे कोई उद्योग होता है, इंडस्ट्री होता है, लगभग वहां पे मोस्टली थ्री फेज का वायरिंग होता है। घर में भी वही होता है लगभग, अगर स्टैंडर्ड बेस पे कराया जाए तो टू फेज और एक न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो हम अभी हम थ्री फेज का भी लेते हैं। देखिए थ्री फेज के बारे में पढ़ते हैं, बस इतना समझिए क्या होता है। आर से रेड होता है, रेड कलर का वायर यूज करेंगे। वाई से येलो कलर का यूज करेंगे, ठीक। और बी से ब्लू कलर का यूज करेंगे। देखिए पूछ सकते हैं कि वाई का मतलब क्या है, वाई से क्या तात्पर्य है येलो, बी से क्या तात्पर्य है ब्लू। ये दर्शा रहा है तीन फेज का, दर्शा रहा है तीन, तीन को फेज को दर्शा रहा है आर वाई बी। देखिए कैसे आर वाई बी थ्री फेज सिस्टम। अब देखिए थ्री फेज सिस्टम में अगर देखा जाए, एगो हम पहले बताए थे प्रत्यावर्ती धारा में आई आर। अब आई आर के लिए यानी कि पहले फेज के लिए आई आर कैसे होगा जी? आई मैक्सिमम क्या माने कि धारा मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अरे यही न था जी, याद है ये आपका चल दिया क्या वोल्टेज स्रोत मान लीजिए, ठीक। और आपका यहीं पे मान लीजिए क्या है, ये I मान लीजिए क्या है, ये आपका I है। जब ये I है, धारा है, साइनोसोइडल वेव में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम I मैक्सिमम, भैया ये I मैक्सिमम है, पीक वैल्यू शिखर मान ये है आपका क्या है, पीक वैल्यू यहाँ पे है, तो I मैक्स साइन ओमेगा टी ये आपका टाइम रहता है, टाइम रहता है, ठीक है। या इसी को हम ओमेगा टी बोलते हैं ना, ओमेगा टी रहता है, आई मैक्सिमम है यहाँ पे। तो आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी पहले फेज के लिए यानी कि रेड वायर के लिए, ठीक है। यही बात किया जाए, ये था आई आर के लिए। अब हम आई वाई के लिए बात करते हैं। आई वाई के लिए क्या करेंगे कि हम आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120, आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 120। माइनस 120 क्यों जी? कि यहां से तो जाए तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वो इधर से गया तो ये क्या है आपका पॉजिटिव, और नीचे जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव।
और निगेटिव जाएगा तो माइनस में जाएगा तो -120 डिग्री, घटा देंगे क्या करेंगे -120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई वाई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी -120। यही अगर आई बी के लिए देखा जाए तो आई मैक्स आई मैक्स साइन ओमेगा टी -240 क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी -240। देखिए ये बस इतना याद रखिए कि ऐसे ये डायरेक्टली ऐसा पूछता है, क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, रेड वायर के लिए यानी कि पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए और तीसरे फेज के लिए कौन सा साइनोसोइडल वेव में आई जो है आई को दर्शा रहा है या उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, उसके लिए आपका बस यहाँ पे साइनोसोइडल यहाँ पे एक आपको समीकरण दे दिया गया है। तो ये चीज समीकरण बस आपको याद रखना है, ठीक है, बाकी ज्यादा इसमें तामझाम नहीं करते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं उसके बाद आगे देखते हैं, बस ये याद रखिएगा बाकी और कुछ नहीं है। पहले हम अच्छे से बात करते हैं थ्री फेज के बारे में, ये तो था अभी साइनोसोइडल के रूप में ना, साइनोसोइडल समीकरण के रूप में। अब देखिए अब हम थ्री फेज के ऊपर आते हैं बढ़िया तरीके से, एकदम आपको जहां से क्वेश्चन एकदम आएगा, एकदम आएगा ही आएगा, उस वो नहीं उसमें। देखिए देखिए टू फेज में कितना बताया था अंतर होता है कोण का, 90 डिग्री का अंतर, और थ्री फेज में तीन कला में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का अंतर, ठीक है, 120 डिग्री का अंतर होता है जिसमें रेड येलो ब्लू वायर का यूज किया जाता है फेज के रूप में, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं क्या, थोड़ा सा बताते हैं बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर, बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन कैसे बनेगा कहां से बनेगा एकदम दिमाग में होता रही है, देखिए कैसे बैलेंस कराइए थ्री फेज थ्री वायर, तीन को फेज रहेगा बस फेज ही रहेगा, ठीक, क्या रहेगा उसमें फेज ही रहेगा, एगो फेज, ठीक है, थ्री फेज थ्री वायर, क्या है थ्री फेज थ्री वायर, देखिए ये ब्लैक में हो गया ना, इसको मिटाते हैं, ये मैं बस आपको बता रहा हूं, इसको बस देखिए अभी इसको बाद में पढ़ने लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, तीन को फेज आर वाई बी, ये थ्री फेज हो गया, तीन को वायर का प्रयोग किया गया, एक दो तीन, ठीक, तो थ्री फेज थ्री वायर, ठीक है। चलिए पहले हम थ्री फेज सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक है, इसको ज्यादा मत देखिए आगे देखिए, पहले आप थ्री फेज सिस्टम के बारे में देख लीजिए, क्या था हमारा थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है हमारा कि पहले तो हम बनाते हैं इसे, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, देखिए ये R, ये Y और ये B, R Y B, रेड येलो
ब्रियो। अब इसका इम्पीडेंस क्या होगा जी, इम्पीडेंस क्या होगा? जेड मैंने की इम्पीडेंस, फेज इम्पीडेंस कम होगा, फेज अधिक होगा, फेज का मान, ठीक है, हमेशा क्या होगा, फेज का मतलब बैलेंस है। अगर फाई का वैल्यू बड़ा है, अगर फाई का वैल्यू बड़ा है तो ये क्या चीज है, बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर अगर इम्पीडेंस बढ़ गया तो बैलेंस नहीं है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ये सबका सभी फेज में ऐसा ही होना चाहिए, तभी यह क्या है, बैलेंस है, ठीक है। और फिर हमने क्या बताया, ये थ्री फेज का बैलेंस, बैलेंस लोड के बारे में देखेंगे। तो बैलेंस लोड बैलेंस कब होगा जी, जब फाई का वैल्यू ज्यादा होगा इम्पीडेंस से, तब जाके ये बैलेंस लोड कहलाएगा, मतलब कि बैलेंस फेज या बैलेंस लोड कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हमारा क्या है, जो प्रत्येक फेज हमने क्या बताया कि प्रत्येक फेज के बीच के अंतर क्या होता है, कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, ये भी क्वेश्चन आया है, उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जब भी तीनों फेज समान इंपीडेंस तथा समान फेज एंगल में होगा तो यह बैलेंस लोड कहलाएगा। समान एंगल में है, ठीक है, इंपीडेंस क्या है, फेज का मान अधिक है, इंपीडेंस क्या है, छोटा है, भाई जब भी तीनों फेज समान इंपीडेंस यानी कि समान जेड तथा समान फेज एंगल होगा तो यह क्या कहलाएगा, बैलेंस लोड कहलाएगा। तो जब बैलेंस लोड कहलाएगा तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि आई आर इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई पी, यानी कि फेज करंट भी बराबर होगा हमारा, आई पी बोले तो फेज करंट बराबर होगा, एक एक फेज को देखा जाए तो सभी बराबर होगा। अगर बात करें यहां पे कि वी आर इक्वल टू वी पी इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी पी, फेज वोल्टेज भी आपस में बराबर होगा एक ही चीज का, तो ये चीज बैलेंस लोड कहलाता है। आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, जैसे 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो ये क्या है, बैलेंस लोड है, क्या है, बैलेंस लोड है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस लोड में क्या चीज, फेज करंट और फेज वोल्टेज का एक एक का मान जो है बराबर होगा, 120 डिग्री पे होगा, ये चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं क्या आगे कि स्टार कनेक्शन लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट, क्या पढ़ेंगे, थ्री फेज में स्टार कनेक्शन, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम स्टार कनेक्शन लोड लगाने के बाद हम देखेंगे, ठीक है, लोड लगा के देखेंगे, थ्री फेज सिस्टम में स्टार कनेक्शन बैलेंस लोड में देखेंगे पहले तो, ठीक। अब चलिए बैलेंस भूलिए, अब हम स्टार कनेक्शन लाइन, अब देखिए लिखिए इधर स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन कैसे बनाएंगे जी, फिगर इसका क्या होगा, फिगर ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पहला फेज, ये आपका दूसरा फेज, ये आपका तीसरा फेज, ठीक ठीक है, इसको ले चलिए एक इधर, इसको ले चलिए इधर, ठीक है। अभी इसमें हम लोड जोड़ेंगे, फेजों में लोड जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, लोड जोड़ेंगे, ठीक, क्या जोड़ेंगे, लोड जोड़ेंगे, बीच में न्यूट्रल भी होता है, क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल,
ये आर फेज, ये वाई फेज, ये बी फेज, ठीक है। क्या होगा? अब वाई के लिए है तो हमारा भी वाई, मतलब आपका जो वाई ये वाला जो फेज होगा आपका, इसका वोल्टेज भी वाई होगा, इसका करंट कितना होगा, आई वाई होगा, हुआ कि नहीं होगा। इसका वोल्टेज भी आर होगा, करंट कितना होगा, आई आर होगा। इसका क्या होगा, भी बी होगा, और ये क्या होगा, आई बी होगा, करंट वोल्टेज भी बी होगा। मतलब तो इससे हम डिनोट करेंगे एक एक फेज को, ठीक, एक एक फेज को हम इसी से डिनोट करेंगे, ठीक है, ओके ना। अब देखिए, अब इसमें हम लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लोड लगाते हैं। चलिए हम इधर दो लोड लगा लेते हैं। लोड है LOAD, LOAD, ये हमने दो लोड लगाया। क्या लगाया, क्या हो गया? दो को लोड लगाया, ठीक। एक को कनेक्शन किया किससे, आर वाले से, एक को कनेक्शन कर दिया हमने इसको, देखिए ये उधर भाग रहा है, उधर मत भागो भाई तुम, ये कनेक्शन कर दिया हमने कर दिया इससे, ठीक, ओके। इसको हमने क्या चिपका दिया, बी वाले में, ठीक। एक लोड हम इधर ले लेते हैं, एक लोड हम इधर लगाते हैं, LOAD लोड इधर लगा देते हैं। अब इसका जो है समतुल्य जो निकलेगा पूरा वोल्टेज, वो क्या निकलेगा? ये पूरा वी बी आर के रूप में निकलेगा। देखिए कैसे भाई, यहाँ पे पहले लाइन करंट जाएगा आई एल, यहाँ पे देखिए इसमें नीचे क्या जाएगा, आई एल यानी कि लाइन करंट जाएगा, लाइन करंट करंट जाएगा इसमें, लाइन करंट पास करेगा ना, इधर से निकलेगा तो लाइन करंट पास करेगा इसमें, ठीक है। और हमारा जो पहला लोड है वो वी आर वाई होगा, इसमें कौन सा वोल्टेज होगा, वी आर वाई, ठीक है। एक ये आर से जुड़ा है और एक इसका छोरा हमारा वाई से जुड़ा है। फिर यहाँ पे जो हमारा होगा, यहाँ पे जो हमारा होगा, एक जुड़ा है किस से, वाई से, और एक जुड़ा है बी से, तो भी वाई बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, इस लोड के लिए भी वाई बी वोल्टेज, इस लोड के लिए भी आर वाई वोल्टेज, ठीक है। और इस लोड के लिए क्या होगा जी, आर और बी, बी आर और ये आर बी लिख लीजिए, आर बी वोल्टेज इसमें वोल्टेज होगा, आर बी या बी आर कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से क्या निकलेगा कि वी आर वाई बराबर वी बी आर, भी तीनों लोड क्या होगा, तीनों का फेज वोल्टेज क्या होगा, देखिए वी आर बी बराबर वी आर वाई इक्वल टू वी बी वाई, ठीक है। ये चीज को एकदम याद रखिएगा, ठीक। यही पूरा क्या कहलाएगा हमारा, यही क्या कहलाएगा पूरा, यही लाइन वोल्टेज कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और लाइन वोल्टेज में कोई न्यूट्रल नहीं, लाइन वोल्टेज में कोई न्यूट्रल नहीं, फेज वोल्टेज में न्यूट्रल होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये तो स्टार कनेक्शन है, ये क्या है हमारा स्टार कनेक्शन, मिटाओ इसको।
मिटा देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों इस फिगर की तरफ स्टार कनेक्शन में आपका देखिए थ्री फेज सिस्टम में देखिए स्टार कनेक्शन छोड़ दीजिए बस आप इतना देखिए थ्री फेज सिस्टम क्या चीज है। आपका जो है देख रहे हैं ये आपका मैंने क्या बताया था ये टोटल जो आपका अंतर होता है थ्री फेज में 120 डिग्री का होता है। कितना होता है 120 डिग्री का अंतर होता है टोटल ठीक। क्या होता है पहले फेज के लिए वी आर वोल्टेज करंट क्या होगा आई आर उसका फाई अंतर वी वाई आई वाई फाई अंतर वी बी आई बी फाई अंतर। अब ये वी वाई है तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा माइनस वी वाई होगा और ये आई वाई है तो जस्ट इसके अपोजिट अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई वाई कर लीजिए। करंट अगर दोनों को देख रहे हैं अगर एक चतुर्भुज बन रहा है और इसके जो बीच का कोण है इतना ये देखिए ये तो टोटल 120 था हमारा ये टोटल क्या था 120 तो ये 60 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा तो 30-30 डिग्री का दो चीज हो जाएगा। ये टोटल हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है यानी कि वी आर वाई देखिए यहाँ पे मैं आई वाई कहाँ से लिख रहा हूँ वी आर है और ये वाई है ना तो इसके परिसर में वी आर वाई हो गए यहाँ पे वी आर वाई होगा ठीक। अब देखिए अब ये वी आर वाई का वैल्यू लाना है हमको वी आर वाई का जो है वैल्यू लाना है तो सबसे पहले जो होता है थ्री फेज स्टार कनेक्शन सिस्टम में जो करंट बराबर होता है करंट आई बराबर करंट आई बराबर करंट आई बराबर क्या होता है लाइन वोल्टेज लाइन करंट इक्वल आई बराबर टोटल करंट बराबर क्या होता है लाइन करंट ठीक है अब बराबर फेज करंट वेट ये क्या हो जाएगा आई फेज करंट हो जाएगा यानी कि जो धारा होगा थ्री फेज स्टार कनेक्शन में तो लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है बहने वाले उसमें करंट का क्या होता है करंट बराबर होता है। वैसे ही जो है हमारा वोल्टेज क्या होता है अभी हम इसको निकालेंगे जो वोल्टेज होता है वोल्टेज वोल्टेज जो वोल्टेज का मान होता है वो क्या होता है वो होता है लाइन वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज क्या चीज फेज वोल्टेज। तो देखिए ये फार्मूला तो बिल्कुल एकदम रट जाना है रट जाना है कुछ करना नहीं है बिल्कुल रट जाना है। क्या करना है कि हमारा स्टार कनेक्शन में जो होगा वो हो जाएगा कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज का रूट थ्री गुना होगा क्या होगा रूट थ्री गुना होगा यानी कि लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री फेज वोल्टेज। तो ये फार्मूला को तो एकदम रट जाइए ये फार्मूला से बहुत क्वेश्चन बना है अब बहुत बार आया है ठीक है तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये सूत्र कहाँ से आया हम इस माध्यम से बताएंगे ठीक इसको हम मिटाते हैं इस चीज को मिटा देते हैं इसको मिटाते हैं। अब देखिए कैसे आया देखिए दोस्तों आई आर इक्वल टू अभी हमने बताया आई आर इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई वाई ठीक है और यही क्या होता है आई पी यानी कि फेज अरे फेज करंट सब बराबर होगा ठीक है ओके। उसके बाद वोल्टेज देख लीजिए ये चीज याद रखिए और यह हम पहले तो हम आपको दिखाते हैं इस पैरेललोग्राम से सॉरी ये
ये जो चतुर्भुज बन रहा है आपका, ठीक है, पहले हम इस चीज से देखते हैं कि हमारा जो है लाइन वोल्टेज अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज के बराबर कैसे होता है। ठीक, कैसे होता है हम उसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, वी आर वाई, वी आर वाई, ये आर फेज वाई फेज वोल्टेज इसके परिप्रेक्ष्य में बराबर क्या निकलेगा जी हमारा, क्या निकलेगा हमारा जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा हमारा क्या, तो अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में क्या निकलेगा कि वी आर का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, क्या निकलेगा वी आर का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस टू वी आर, टू वी आर वी वाई कॉस फाई, फाई दिया है 60 डिग्री। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, देखिए मान रखते हैं 60 डिग्री का मान। देखिए दोस्तों कास 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, क्या होता है 1/2 होता है। तो देखिए वी आर स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस टू वी आर वी वाई 1/2 गुणा में, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये कास 60 डिग्री है, फाई का मान 60 डिग्री रखिएगा क्योंकि ये 60 डिग्री है। ठीक, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वी आर वी वाई। ठीक, अब ये चीज क्या है, फेज है, क्योंकि ऊपर हमने क्या बताया कि सब बराबर, फेज जो है फेज वोल्टेज बराबर है सबका, एक एक करके सबका, जब सबका फेज बराबर है तो हम क्यों ना इसको लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में वी पी का स्क्वायर प्लस वी पी का स्क्वायर प्लस क्या बचा है वी पी और वी पी, यानी कि इसको स्क्वायर ही कर लीजिए वी पी का स्क्वायर। ठीक, तो 1, 2, 3 ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 वी पी का स्क्वायर। ठीक, तो हमारा अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 ये स्क्वायर है तो हो जाएगा वी पी, यानी कि फेज वोल्टेज। तो ये जो हमारा निकल रहा है वो क्या है, लाइन वोल्टेज है ना जी, क्या है ये वी आर वाई है, यही चीज क्या है हमारा लाइन वोल्टेज है। और लाइन वोल्टेज में हमने क्या बताया था, लाइन वोल्टेज में क्या बताया था, फेज वोल्टेज में एक न्यूट्रल हो और लाइन वोल्टेज में फेज ही हो, तो फेज यहाँ पे रूट 3, तो लाइन वोल्टेज बराबर, ठीक है वी एल बराबर निकलेगा रूट 3 वी पी, ये चीज आपको एकदम याद रखना है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ओके ओके ना, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्या, लाइन वोल्टेज वोल्टेज बराबर अंडर रूट 3 फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। चलिए इतना इसको याद रखिए, इससे एकदम क्वेश्चन बनेगा। 3-फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट 3 फेज वोल्टेज। ठीक, आगे बढ़े, चलिए इसको नोट कर लिया, मैं मिटाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आज के वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है, तो हम बस एक टॉपिक देख लेते हैं, डेल्टा कनेक्शन। ठीक, डेल्टा कनेक्शन बस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कि इसका पार्ट भाग 9 में हम बताएंगे आप लोगों को, थोड़ा सा और रह गया है। ठीक है, भाग 9 में हम आपको बता देंगे वाट मीटर का प्रयोग, वाट मीटर का कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक, 2 वाट मीटर मेथड क्या है। तो अभी फिलहाल में अभी हम देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा, उसको देख लेते हैं, डेल्टा कनेक्शन।
देखिए डेल्टा कनेक्शन याद रखिएगा, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन आपको हमने बताया था इस रूप में होता है डेल्टा कनेक्शन। ठीक ठीक है दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो न्यूट्रल नहीं होता है, तीनों फेज होते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल बिल्कुल होता ही नहीं है। देखिए डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल का प्रयोग बिल्कुल होता ही नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ओके ना, डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है। और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है। क्या होता है? फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज होता है। ये मैं बात कर रहा हूं क्या डेल्टा कनेक्शन के बारे में, फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज बराबर होता है। क्या चीज? फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन। और यही बात करके फेज करंट, क्या चीज बात करें, फेज करंट क्या होता है? फेज करंट होता है अंडर रूट थ्री गुना आईएल का, आईएल का अंडर रूट थ्री गुना होता है फेज करंट। ठीक, क्या होता है? अंडर रूट थ्री फेज करंट होता है, अंडर रूट थ्री लाइन वोल्टेज का होता है फेज करंट। ठीक है, और ये फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता है। तो डेल्टा कनेक्शन में यही चीज है। ठीक है, और इसमें जो है न्यूट्रल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? अरे यहाँ पे देखिए, ओ क्या मिस्टेक हो गया, जो लाइन करंट होता है वो फेज करंट का रूट तीन गुना होता है। ठीक है, ये यहाँ पर रख लीजिएगा। ठीक, इसको मैं थोड़ा फिक्स कर देता हूँ, देख लीजिए अच्छे से एकदम, ताकि हम लोगों को याद रहे। आई एल यानी कि लाइन करंट इक्वल टू लाइन फेज करंट का कितना होता है जी? फेज करंट का अंडर रूट थ्री गुना होता है, ये गुना में है। तो ये चीज याद रखिएगा, पहले ये है डेल्टा कनेक्शन के लिए, डेल्टा के लिए है। ठीक, और डेल्टा के लिए ये भी है, देखिए लिखा हूं डेल्टा के लिए ये भी है, फेज वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज क्या होता है बराबर होता है, वोल्टेज क्या होता है बराबर होता है किसमें? डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज बराबर होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में। और डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का रूट थ्री गुना होता है, ये चीज याद रखिएगा डेल्टा कनेक्शन में। लेकिन यही बात की जाए अगर यही बात की जाए स्टार कनेक्शन में, तो स्टार कनेक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज, यहाँ पे लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है स्टार के लिए। स्टार कनेक्शन के लिए क्या होता है? हमारा जो लाइन करंट है वो बराबर होता है फेज करंट के, वो क्या होता है? फेज करंट के बराबर होता है। स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन करंट जो होता है फेज करंट के बराबर होता है, और हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है वो अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज के बराबर होता है, अंडर रूट थ्री फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग डेल्टा और स्टार समझ गए। और ये हमारा देखिए लंबा वीडियो चला जा रहा है, ठीक है, 1 घंटे 18-19-20 मिनट का लगभग हो जाएगा। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में एक पार्ट और लाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, इसका एक और भाग लाएंगे थ्योरी का, उसके बाद केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी अभी तक पूछा गया होगा, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन का हम वीडियो लेकर आएंगे। तो एक और वीडियो बनेगा जिसका इसका भाग 9 होगा, ठीक है, हम 16वें क्लास में लेंगे उस चीज़ को। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को कैसा ये क्लास लगा, कैसे कितना समझ में आया, और जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्याएं होगी, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हमने क्या बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके
टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कतें होगी, देखिए वो टेलीग्राम में ज्वाइन होने के बाद केवल पीडीएफ ही नहीं बल्कि वहाँ पे हर चीज़ की जानकारी मिलती है, ठीक है। वो चाहे आईटीआई से रिलेटेड हो, वो चाहे अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वहाँ पे वैकेंसी, नया जो वैकेंसी आता है उसके बारे में, रिजल्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, बहुत सारा चीज़ के बारे में, ऑल इन वन। बस जाइए सक्सेस कैरियर पे और देखिए सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।